हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और आज ठंड चालू हो गई है, मतलब कल रात को एकदम से ही मतलब 1 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ पे चला गया था। मतलब ठंड स्टार्ट हो चुकी है, बस अभी एक आध महीने के अंदर आई थिंक स्नो भी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और आज के जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, आप सभी ने पढ़ लिया होगा नीचे, दैट 3 वे दैट यू कैन गेट द ग्रीन कार्ड इन USA। और मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मतलब मैं सब शेयर करूंगा आपसे, उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखेगा, और आपको कुछ भी सवाल हो और कुछ भी और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड आप जो भी लोग नए हैं, जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, तो आपको और भी आगे के वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले ऑप्शन से, जो बेसिकली आई थिंक सबको ही पता होगा, जो है मैरिज बेस। मतलब अगर आप कोई US सिटीजन से शादी करते हो तो ऑब्वियसली वो आप सबको ही पता होगा ये, तो उसमें आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और उसमें दो रास्ते हैं, मतलब एक अगर कोई अलग कंट्री से है, मतलब आप ऑलरेडी इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो और आपकी शादी यहाँ होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आपको 2-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कंट्री से वो वहाँ जाएगी, थोड़ा बहुत एविडेंस दिखाना पड़ता है, मतलब वही सब आपको फाइल करना पड़ता है, थोड़ा उसमें 2-3 साल निकल जाते हैं, जो केस मैंने देखे हुए हैं उसमें हो जाता है। इफ़ यू आर लकी इट कैन बी इन 1 ईयर, 1 साल में भी हो जाता है। पर नॉर्मली बाहर अगर कोई होता है कंट्री से तो आई थिंक मैंने देखा है 2-3 साल के ऊपर तो हो जाता है। और डिपेंड ऑन द स्टेट कि आप कौन से स्टेट में हो, जहाँ पे अगर बहुत रश होगा तो ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। और दूसरी ऑप्शन होता है कि उसके अंदर अगर मैरिज बेस में अगर आप यहाँ पे हो ऑलरेडी, मतलब आप कोई भी वीज़ा पे यहाँ पे आए हो और बाद में आपसे यहाँ पे किसी से आप शादी करते हो, तो उसमें पहले आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद अगर आपका केस अप्रूव होता है तो वो केस के अंदर 1 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो ये सबको आई थिंक नॉर्मली पता है, तो दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे होता है वो है यू वीज़ा। अभी यू वीज़ा में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कि आपको कोई हैरेस कर रहा है यहाँ पे, मतलब आपको कोई लूट के चला गया, आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो या एनीवे आप यहाँ पे आए हो USA में, तो अगर आपको कोई यहाँ पे लूट के चला जाता है या कोई किसी से आपसे आपसे हाथापाई हो जाती है और आपको कोई मारता है और उसका फॉल्ट होता है और केस रजिस्टर होता है, तो वो केस के अंदर आप यू वीज़ा फाइल कर सकते हो। यू वीज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बाहर से आए हो और ये कंट्री में आपको हैरेसमेंट हुआ है तो यहाँ की सरकार से आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो US सिटीज़न के लिए। तो वो केस में क्या होता है कि पहले अलग ऑप्शन था, मतलब पहले सिर्फ आपको यू वीज़ा आपको अप्लाई करना होता था, लेकिन उसमें वर्क करने की परमिशन नहीं मिलती थी, वो पहले का हो गया। लेकिन अब लॉ चेंज हो गया है। अभी के लॉ में क्या हो गया है कि आप यू वीज़ा के अंदर इवन ये लोग अभी वर्क परमिट आपको दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और वो अगर हो तो, सॉरी मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप आके यहाँ पे झगड़ा कर लो और सीधा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये एक अलग चीज़ है। और ये यू वीज़ा के अंदर आपको जैसे आप अप्लाई करते हो, मतलब आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है हादसा यहाँ पे और आप अप्लाई करते हो यू वीज़ा, तो विद इन आफ्टर अप्लाई आपको 2 से 5 महीने के अंदर वर्क परमिट मिल जाता है विद सोशल सिक्योरिटी कार्ड, तो उसे कहते हैं EAD कार्ड एक्चुअली, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप 4 साल तक आई थिंक उसका पीरियड होता है, टाइम पीरियड, उसके तक आप काम कर सकते हो यहाँ पे। और विद इन आई थिंक दैट 4 to 5 years, पुराने केसेस में तो मैंने देखा है कि 8-8, 9-9 साल के बाद अप्रूव होते हैं केस, पर अभी के नए केस के अंदर ऐसा कह रहे हैं कि 4 साल की वर्क परमिट होती है और 4 से 5 साल में शायद आपका डिसीजन आ जाता है। अगर अप्रूव हो जाता है केस आपका तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा जो ऑप्शन है वो होता है असाइलम, असाइलम कह लो या रेफ्यूजी कह लो। रेफ्यूजी एक्चुअली अलग है, रेफ्यूजी मतलब आप बॉर्डर से मतलब परमिशन मांग रहे हो कि मेरे को आपके कंट्री में आना है करके, तो वो रेफ्यूजी हो गया। असाइलम वो चीज़ है जो आप यहाँ पे आते हो, कोई भी मतलब विजिटर वीज़ा पे आप यहाँ पे आ रहे हो या एनी अदर वे आप यहाँ पे हो और आपको आपकी कंट्री के अंदर आपको आपकी जान का खतरा है, मतलब आपको कोई मार देगा अगर आप आपकी कंट्री में वापस जाओगे, तो वो बेस पे आप यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर सकते हो। तो
असाइलम में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई वो गली के गुंडे आपको मतलब परेशान कर रहे हो और यहाँ पे आप आए हो तो आपने असाइलम डाल दिया, नहीं वो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर तो आपकी पुलिस है वहाँ पे जो आपको आपकी सुरक्षा के लिए रहेगी, तो वो केस में आपको असाइलम नहीं मिलेगा। तो असाइलम उस चीज़ के लिए है मतलब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो या आप कोई मतलब फिल्म स्टार हो गए या कुछ भी मतलब बहुत बड़ी पार्टी हो और आपकी जान को खतरा है कोई चीज़ से, तो वो केस के अंदर आपके पास अगर प्रूफ है तो आप उस बेस पे असाइलम डाल सकते हो। और असाइलम में क्या होता है कि जैसे ही वंस यू अप्लाई फॉर असाइलम आपको एक ही महीने के अंदर फिंगरप्रिंट एंड आपका इंटरव्यू आ जाएगा, और वो इंटरव्यू के अंदर आपको सामने वाला जो ऑफिसर रहेगा इमिग्रेशन ऑफिसर उसको आपको कन्विंस करना है, आपको प्रूफ हो तो प्रूफ दिखाना है या तो आपको उनको कन्विंस करना है कि आपके साथ ये सब आपकी कंट्री में हो सकता है अगर आप वापस जाएंगे तो। तो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो विद इन आई थिंक 12 टू 15 डेज वो लोग आपका केस का डिसीजन आपको दे देंगे, दे आर अप्रूविंग योर केस या तो फिर रिजेक्ट नहीं करेंगे, असाइलम में रिजेक्ट नहीं होता है, तो वो लोग या तो अप्रूव करेंगे या तो फिर वो लोग आपको ऐसा कह देंगे कि आपका केस हम लोग अप्रूव नहीं कर रहे यहाँ पे, तो आपका केस अभी हम डाल रहे हैं कोर्ट में। तो बाद में अगर आपका केस कोर्ट में जाता है तो फिर आपको जज के सामने आपको पूरी बात रखनी होती है, तो जज बाद में वो चीज़ पे आपका डिसीजन देगा कि क्या होता है। और उस केस के अंदर वापस आपको टाइम लग जाता है, उसका टाइम पीरियड आई थिंक है इफ़ यू लकी 2 साल के अंदर आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर सेम 5 to 10 years भी आपके निकल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, क्योंकि काफ़ी स्टेट मतलब ऐसे होंगे जिनके पास शायद बहुत सारे केस ऑलरेडी पेंडिंग पर होंगे तो आपका केस को भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो और इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम आपको EAD कार्ड मिलेगा, वर्क परमिट, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 साल के लिए मिला है, जब तक आपका केस चल रहा है जब तक जज या इमिग्रेशन ऑफिसर आपका डिसीजन नहीं ले रहा है तब तक आपके पास वर्क परमिट रहता है इसके अंदर। और इसका क्या होता है कि जैसे ही आप असाइलम फाइल करते हो विद इन 150 डेज 150 दिन के अंदर आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, वेदर आपका केस अगर अप्रूव होता है तो 1 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, अगर अप्रूव नहीं होता है या तो फिर इमिग्रेशन का आपका इंटरव्यू नहीं आ रहा है या तो फिर इंटरव्यू आ गया और डिसीजन कोर्ट में गया है तो सेम 150 डेज आपको काउंट करना है और आप अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट के लिए, और उसे भी वही EAD कार्ड कहते हैं और सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको मिलेगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है वो EAD कार्ड एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर, और इसे कहते हैं EAD कार्ड और ये है सोशल सिक्योरिटी कार्ड। तो ये चीज़ असाइलम में क्या होता है कि यू वीज़ा और असाइलम दोनों में ऐसा होता है कि जब तक आप यहाँ पे हो आप एक तरीके से कह सकते हो कि आप इन मिडल हो, मतलब आप सिटीज़न भी नहीं हो और नॉन सिटीज़न भी नहीं हो, आपको एलियन कहा जाता है ये लोग को, ये लोग की भाषा में एलियन कहते हैं। तो आप मतलब आप घर गाड़ी सब कुछ ले सकते हो जैसे ही नॉर्मल सिटीज़न, खाली आप वोटिंग नहीं कर सकते, जो ग्रीन कार्ड वाले भी नहीं कर सकते वोटिंग, तो बस वही एक फ़र्क रहता है, अदरवाइज़ आपको घर गाड़ी लोन लेनी हो, जॉब करनी हो, आप बिजनेस करना हो, आप सब कर सकते हो इसके अंदर। तो बस ये 3 पॉइंट थे, ये 3 ऐसे रास्ते हैं मतलब जिससे ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ना ही कोई वर्क वीज़ा चाहिए होता है ना कुछ चाहिए होता है, बस आप प्रेजेंट होने चाहिए यहाँ पे होने चाहिए तो ही वो होता है। तो ये कुछ 3 थी बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो और कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर आपको उनका जवाब दूंगा। और आपको आगे और क्या कुछ जानना है और भी तो आप मुझे कह सकते हो, मैं यहीं पर हूँ, मैं USA से ही हूँ, विस्कॉन्सिन। तो ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाय बाय।